बापू को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा आग बबूला है। इसी के विरोध में हिंदू महासभा ने छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला जलाया और संत महात्माओं की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा की है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित धर्म संसद में संत कालीचरण ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसी के चलते मध्य प्रदेश के खजुराहो से छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संत कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ग्वालियर में सड़क पर उतर कर आया और छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला फूंका। पुतला दहन के दौरान हिंदू महासभाइयों ने छत्तीसगढ़ सरकार विरोधी नारेबाजी की। गुरुवार को हिंदू महासभाई दौलतगंज स्थित कार्यालय पर एकत्र हुए और एक रैली के रूप में पाटन कर चौराहे पहुंचे। यहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला जलाया। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज ने कहा है कि हिंदुओं के खिलाफ जहर घोलने वाले ओवैसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस संत कालीचरण को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करके ले गई और मध्य प्रदेश के सीएम और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सोते रह गए। हिंदू महासभा संत कालीचरण की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा करती है। आगे उन्होंने कहा कि साधु महात्माओं का अपमान हिंदू महासभा नहीं सहेगी, इसका कल से छत्तीसगढ़ में वृहद विरोध होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि कल यानी 31 दिसंबर को गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले डॉक्टर दत्तात्रेय सदाशिव राव परचुरे की पुण्यतिथि पर हिंदू महासभा के स्थानीय कार्यालय में चित्र लगाया जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ सरकार में हिम्मत है तो उन्हें रोक कर दिखाए, जिसका पूरे देश में कड़ा जवाब दिया जाएगा। जहर घोलने वाले ओवैसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन देश के अंदर संत महंत हमारे कालीचरण जी को आज छत्तीसगढ़ की पुलिस मध्य प्रदेश से उठाकर ले गई। अब मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक जो सोते रह गए, हिंदू महासभा ने इसकी खुलेआम निंदा की है और हिंदू महासभा ने आज ग्वालियर से शंखनाद बजाया है कि हम साधु संतों का अपमान नहीं सहेंगे। संत कालीचरण जी को जो गिरफ्तार किया गया है, अखिल भारत हिंदू महासभा इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इसका विरोध होगा। हमारे ग्वालियर के अंदर आज हमने हिंदू महासभा के प्रदेश महामंत्री विनोद जोशी और जिलाध्यक्ष लोकेश शर्मा और संभागीय अध्यक्ष पवन गुप्ता, अर्चना सिंह चौहान, मोहन सिंह बघेले के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने ग्वालियर में छत्तीसगढ़ की सरकार का पुतला जलाया है। हम छत्तीसगढ़ सरकार को खुली चुनौती देते हैं कि कल गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले डॉक्टर दत्तात्रेय सदाशिव राव परचुरे जी का कल जो है पुण्यतिथि 37वीं पुण्यतिथि है। हम ग्वालियर के अंदर डॉक्टर परचुरे जी का चित्र हिंदू महासभा भवन में लगाकर उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे, उनकी आरती करेंगे। यदि हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ सरकार आकर ग्वालियर में हमको गिरफ्तार करके बताए, पूरे देश के अंदर इसका जवाब मिलेगा। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।